अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल रिमझिम बारिश डे। आज माशाल्लाह लतीफाबाद हैदराबाद में 5 नंबर में आज हुई बड़ी ज़बरदस्त सी पूरी रात बारिश। सो हमने सोचा बारिश की सौगात जो है हम आपको दिखाते हैं। आज मैं बना रही थी हलवा पूरी और उसके साथ बड़े ना मज़े का जो है मैंने हलवा बनाया है, आप देख सकते हैं इतना मज़े का हलवा मैंने तैयार किया है। यू कैन सी अभी बन रहा है, ठीक है। और इस पर मैं ना बड़ी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन करूँगी, अखरोट और ना इसके ऊपर काजू वगैरह की गार्निशिंग भी करूँगी। बहुत सारी पूरियाँ बनाने के लिए ना डो बना के रख लिया था मैदे का ना, और सबके पेड़े बना के रख लिए हैं पहले से ही ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी से काम फारिग कर दूँ। आज पूरी कंप्लीट डिटेल रेसिपी वीडियो नहीं है, बट आज जो दोपहर का जो मेन्यू था, आज बारिश हुई थी, सोचा मैं ना कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। सो आज ना सबका दिल चाह रहा था घर में कि मैं ना हलवा पूरी बनाऊँ और उसके साथ छोलों का साग हो। माशाल्लाह छोले हमारे घर के होते हैं क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, हमारा फूड पॉइंट है, माशाल्लाह शानदार छोले फूड पॉइंट। तो ये बहुत मज़े के है ना डिलीशियस छोले होते हैं हमारी शॉप के। सो हमने सोचा है ना शॉप से तो मैं ना छोले मंगवा लूँगी और पूरियाँ बना लेते हैं घर में। हलवा भी मैंने तैयार कर लिया है, सो अब मैं आपको है ना पूरियाँ बनाते हुए दिखाऊँगी। डो तो मैंने पहले ही है ना तैयार करके रख लिया, ठीक है। बस यहाँ पर देख सकते हैं आप है ना, मैंने अखरोट जो है वो कटिंग कर लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त से गार्निशिंग कर लिए है ना। कुछ मैंने इसमें बड़े बड़े से पीसेस रख लिए, कुछ बारीक कर लिए। सो यू कैन सी अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। सो हमारा जो हलवा है वो बड़े मज़े का बन के जो है रेडी हो गया है। यू कैन सी एक साइड पर मैंने ना ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है जी। तो गाइस काफ़ी सारी पूरियां जो है वो मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं, कुछ अभी बन रही हैं, कुछ रहती हैं। सो आई थॉट कि आपको दिखाऊं लाइव, सो यू कैन सी ये बना रही हूँ मैं। अच्छा ऑयल है ना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है मैंने हर पूरी में से, जैसे ना ये डीप फ्राई होती है सो इसलिए अच्छी तरह इसको वेट करके ना ऑयल फ्री कर लिया है। सो यू कैन सी काफ़ी सारी जो है पूरियाँ मेरी बनकर रेडी हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। उसको मैंने पेपर में फोल्ड कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएं। सो यू कैन सी माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है बनकर रेडी हो गई हैं और इनको है ना अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया था पेपर में, ताकि जो उसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। सो यू कैन सी जी। तो गैस और ये हैं हमारे शॉप के छोले, माशाल्लाह शानदार छोले फूड पॉइंट है हमारा। उसके ये छोले हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी छोले होते हैं। सो हलवा पूरी के हिसाब से इसको मैं बना रही थी, ये बिल्कुल रेडी शॉप से आए हैं, लेकिन जो हलवा पूरी के साथ साग होता है इसको इस तरह में मैंने ना चेंज कर दिया इसकी कुछ रेसिपी। सो ये ना मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं और दही ऐड की है, इसमें अचार ऐड किया है। माशाल्लाह से इतना मज़े का इसमें फ्लेवर आ रहा था, एक तो शॉप के छोले हैं इतने मज़े के, ऊपर से है ना इसमें मैंने आलू की एडिटिंग करी है, पोटैटो इसमें ऐड किया माशाल्लाह से, और है ना इसमें योगर्ट ऐड किया, तो बहुत मज़े का इसमें ना टेस्ट आ रहा था। अचार का भी ऐड किया इसमें और फिर हम सब ने खाना खाया माशाल्लाह से, सब ने बहुत तारीफ़ करी माशाल्लाह से हलवा पूरी की। और साग का तो बिल्कुल ही टेस्ट मैंने बिल्कुल ऐसा है ना हलवा पूरी के हिसाब से चेंज ही कर दिया था, सो बहुत मज़े का लगा। फिर हमारा टी टाइम हो गया था, हम खाना वाना खा के रेस्ट कर लिया था, फिर टी टाइम के लिए हम उठे थे। सो मेरा और सुभान का ये टी टाइम हो रहा है, ये मेरी चाय है, सुभान का बिस्किट है और है ना ये सुभान की चाय रखी हुई है, और चाय के साथ कुछ स्नैक्स फ्राई किए थे। और रात के डिनर में भी फिर वही दोपहर वाला साग था और उसके साथ पराठे वगैरह बनाए थे और पूरियां वगैरह थी। सुभान खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है बैक पर ना। सो ये मैंने पराठे बनाए थे,
आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।